नजरे मिलते ही नजरों से पलकों कुचराए, कैसी है आया तेरी जो तू पलकों को झुकाए। रब जो पोशीदा है उसको निहारे तू, और जो गर्विदा है उसको टाल तू। हेलो यूट्यूब फैम, दिस इज़ मी कौस्तुभ नाइक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आई होप आप सब ठीक हो, बढ़िया हो। सो फ्रेंड्स, आज के ये वीडियो में हम सीखेंगे श्रीवल्ली सॉन्ग। सिर्फ तीन कॉर्ड्स में सीखेंगे, तीन ओपन कॉर्ड्स में सीखेंगे, और काफ़ी इजी तरीके से टेक्निक के साथ सीखेंगे। काफ़ी मजा आएगा गाइज ये वीडियो देख के आपको, तो गाइज ये वीडियो को लास्ट तक देखना। और फ्रेंड्स, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, आपका एक एक सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा कीमती है गाइज मेरे लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करना, जल्दी से जल्दी अपने को 50K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं, उसके बाद मैं आपको एक सरप्राइज लेके आने वाला हूँ। सो प्लीज़ गाइज, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना, और गाइज इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना। सो अभी अपना मेन कंटेंट स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, सबसे पहले आपका गिटार ट्यून नहीं है तो गिटार को ट्यून करके लो, और बाद में गिटार बजाओ, ताकि आपको जो चाहिए वो पिच भी मिल जाएगा। और गाइज, इनकेस आपको पता नहीं है कि गिटार को कैसे ट्यून करते हैं, सो गाइज मैंने गिटार ट्यूनिंग के ऊपर एक वीडियो बनाया जिसका मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूँ। अगर आपको गिटार ट्यूनिंग सीखना है तो आप वहाँ से देख के सीख सकते हो। और फ्रेंड्स, यूट्यूब पे अपना गिटार ट्यूनिंग का फर्स्ट रैंक पे है वीडियो। सो गाइज, मैं आपको दिल से शुक्रिया बोलना चाहता हूँ, उस पर गाइज 80K प्लस व्यूज है, 80,000 प्लस व्यूज। सो गाइज, दिल से थैंक यू। गाइज, अभी मैं आपको फर्स्ट बताता हूँ कॉर्ड्स कौन से यूज होने वाले हैं श्रीवल्ली सॉन्ग्स के लिए। सिर्फ तीन कॉर्ड्स है गाइज, एकदम ईजी है, ओपन कॉर्ड्स है। सो सबसे पहला जो कॉर्ड यूज होने वाला है वो है डी मेजर कॉर्ड। सो गाइज, डी मेजर प्ले करने के लिए आपको आपका फर्स्ट फिंगर सेकेंड फ्रेट के थर्ड स्ट्रिंग पे, आपका सेकेंड फिंगर सेकेंड फ्रेट के फर्स्ट स्ट्रिंग पे, और आपका थर्ड फिंगर थर्ड फ्रेट के सेकेंड स्ट्रिंग पे रखना है। तो ये हो गया डी मेजर कॉर्ड। स्क्रीन पे भी डायग्राम अवेलेबल कर रहा हूँ, तो अगर आपको इधर से नहीं जम रहा है तो आप डायरेक्टली डायग्राम से भी देख सकते हो। सो गाइज, ये हो गया अपना डी मेजर कॉर्ड। सेकेंड कॉर्ड है अपना जी मेजर कॉर्ड। सो गाइज, जी मेजर प्ले करने के लिए आपको आपका फर्स्ट फिंगर सेकेंड फ्रेट के फिफ्थ स्ट्रिंग पे, आपका सेकेंड फिंगर थर्ड फ्रेट के सिक्स्थ स्ट्रिंग पे, आपका थर्ड फिंगर थर्ड फ्रेट के सेकेंड स्ट्रिंग पे, और आपका पिंकी फिंगर फोर्थ फिंगर थर्ड फ्रेट के फर्स्ट स्ट्रिंग पे रखना है। तो ये हो गया जी मेजर कॉर्ड, काफ़ी इजी कॉर्ड है। ये था डी मेजर कॉर्ड, ये है जी मेजर कॉर्ड अभी जो हमने सीखा। और गाइज, जो लास्ट कॉर्ड है थर्ड कॉर्ड, वो है सी मेजर कॉर्ड। सी मेजर प्ले करने के लिए आपको आपका फर्स्ट फिंगर फर्स्ट फ्रेट के सेकेंड स्ट्रिंग पे, आपका सेकेंड फिंगर सेकेंड फ्रेट के फोर्थ स्ट्रिंग पे, और आपका थर्ड फिंगर थर्ड फ्रेट के फिफ्थ स्ट्रिंग पे रखना है। तो ये हो गया सी मेजर कॉर्ड, एकदम इजी कॉर्ड है। पहला था डी मेजर, सेकेंड था जी मेजर, और थर्ड है सी मेजर कॉर्ड। तीनों भी मेजर मेजर कॉर्ड है। अभी गाइज, मैं आपको पैटर्न बताता हूँ कौन सा यूज होने वाला है। सो गाइज, ये सॉन्ग में जो पैटर्न यूज होने वाला है वो है 5-4-1-2। ये अपना फर्स्ट पैटर्न है, अच्छे से ध्यान में रखो गाइज, 5-4-1-2। जो सेकेंड पैटर्न है वो है 5-4-1-2-3-4-1-2। आपको मैं सभी पैटर्न स्क्रीन पे अवेलेबल कर रहा हूँ। 5-4-1-2-3-4-1-2, पहला अपना था 5-4-1-2, सेकेंड है 5-4-1-2-3-4-1-2, ठीक है। अभी गाइज, अपने को जो यूज़ करना है पैटर्न, वो अपने को मिक्स करके यूज़ करना है, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे यूज़ करना है सब। उसके पहले मैं आपको स्ट्रमिंग पैटर्न बताता हूँ कौन सा है। स्ट्रमिंग पैटर्न कुछ ऐसा है, डाउन अप, सो गाइज आई होप आपको सुन के थोड़ा सा आइडिया आया होगा। सो इसमें क्या करना है, इसमें गाइज ट्रिक है यूज़ करने के लिए। सो इसमें क्या करना है आपको गाइज, इसमें एक ट्रिक है। जो फर्स्ट डाउन अप आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, उस पर आपको जो कौन सा भी कॉर्ड होने दो गाइज, डी मेजर होने दो, जी मेजर होने या फिर सी मेजर होने दो, आपको वो टाइट होल्ड करना है यहाँ पे। तो उस पर अपने को प्ले करना है डाउन अप। स्टार्टिंग का जो डाउन अप आपको दिख रहा है वो आपको प्ले करना है, और उसके बाद जो डाउन अप है उसके लिए आपको क्या करना है, जो आपने टाइट होल्ड किया है उसको आपको लूज करना है। तो ये स्ट्रिंग म्यूट हो जाएगा, ये देखो आवाज़ ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस पर आपको प्ले करना है डाउन अप डाउन अप। तो ये पूरा मिला के ऐसा होगा, डाउन अप 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 डाउन। डाउन अप के लिए सिर्फ मैं गाइस यहाँ पे कॉर्ड एकदम टाइट होल्ड कर रहा हूँ, उसके बाद लूज कर रहा हूँ जो डाउन अप है उसके लिए। सो ये पूरा मिला के ऐसा होगा डाउन अप। तो गाइस थोड़ा सा फील आता है, आप देखो एक बार सुन के, तेरी झलक शर्फी आया ना फील। सो अभी मैंने जो सॉन्ग पूरा बजाया है वो एक बार देख लो। नजरे मिलते ही नजरों से पलकों को चुराए, कैसी है आया तेरी जो तू पलकों को झुकाए।
रब जो पोशीदा है उसको निहारे तू, और जो गर्विदा है उसको टाल तू। तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली वेना मदक बरसी, तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली बातें कर जो हर भी। अभी मैं आपको बताता हूँ कॉर्ड्स का सीक्वेंस क्या है, क्योंकि गाइज वो बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखने के लिए कि सॉन्ग प्ले करते टाइम। सो गाइज जो फर्स्ट सीक्वेंस है वो है डी मेजर, जी मेजर और डी मेजर। ये अपना फर्स्ट सीक्वेंस है, डी मेजर, जी मेजर, डी मेजर। मैं आपको स्क्रीन पे भी अवेलेबल कर रहा हूँ। जो सेकेंड सीक्वेंस है वो है जी मेजर और डी मेजर। उसके बाद जो थर्ड सीक्वेंस है वो है डी मेजर, सी मेजर और जी मेजर। बस गाइस ये तीन ही सीक्वेंस है, इसमें आपको सॉन्ग पूरा बजाना है। तो गाइस आप ये वीडियो देख रहे हो तो सीक्वेंस कहाँ पे तो लिख के लो, क्योंकि वही सीक्वेंस का यूज होने वाला है आगे जाके आपको। सो स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था फर्स्ट सीक्वेंस डी, जी और डी, और इसमें अपने को क्या करना है, पैटर्न प्ले करने हैं। तो पैटर्न क्या आएगा, 5 4 1 2 5 4 1 2 5 4 1 2 3 4 1 2। तो इसमें क्या करना है, जो मैंने आपको दो पैटर्न बताए वो दोनों पैटर्न को एडिशन करना है और उसके बाद अपने को ये प्ले करना है। तो ऐसा हो जाएगा, एक बार देखो, 5 4 1 2 5 4 1 2 5 4 1 2 3 4 1 2। तो मैंने दो बार वो पहला वाला पैटर्न यूज़ किया, उसके बाद एक बार सेकेंड वाला पैटर्न यूज़ किया। बट जो फर्स्ट पैटर्न यूज़ किया उसमें मैंने रिदम अलग अलग लिया है, अच्छे से सुनो। जो फर्स्ट पैटर्न है उसमें मैंने रिदम अलग अलग लिया है। रिदम मतलब क्या गाइज, जो दो बीट के बीच वाला जो गैप होता है उसका जो गैप है वो अलग अलग है, मतलब उसका जो डिस्टेंस है वो अलग अलग है। ये देखो, 5 4 1 2 5 4 1 2 5 4 1 2 5 4 1 2। अभी ये गाइज मुझे कैसे आ रहा है, मैं बोल के कर रहा हूँ इसलिए मुझे उसका पैटर्न, उसका रिदम मेरे को समझ रहा है। आप भी गाइज बोल के प्रैक्टिस करो, बोल के आप करोगे तो फटाफट सीख पाओगे। सो ये ऐसा होगा, 5 4 1 2 5 4 1 2 5 4 1 2 3 4 1 2। सो अभी इसमें क्या करना है, मैंने आपको बताया तीन कॉर्ड है डी, जी और डी, शिफ्टिंग दो में है डी, जी और डी। तो इसमें क्या करना है गाइज, पहला आएगा डी मेजर कॉर्ड, उसमें आपको प्ले करना है 5 4 1 2। उसके बाद आपको शिफ्ट होना है जी मेजर पे, क्योंकि सेकेंड कॉर्ड अपना जी मेजर है फर्स्ट पैटर्न में, उस पर 5 4 1 2। और उसके बाद फिर से आपको शिफ्ट होना है डी मेजर पे, 5 4 1 2 3 4 1 2। तो अभी ये कैसा होगा गाइज, नजरे नजरे मिलते ही नजरों से पलकों को चुराए। सो गाइज ये हुआ अपना फर्स्ट लाइन, आई होप गाइज आपको क्लियर हुआ रहेगा ये फर्स्ट लाइन। सेकेंड लाइन भी गाइज सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं आपको बताता हूँ वो क्या डिफरेंस है। तो पैटर्न में थोड़ा सा लास्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि अपने को स्ट्रमिंग पैटर्न स्टार्ट करना है तो थोड़ा सा अपने को फिलर डालना पड़ेगा उधर। कैसी है आया तेरी जो तू पलकों को झुकाए, ये अपने को प्ले करना है डाउन 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 डाउन, ये प्ले करना है अपने को लास्ट में। अभी इसमें जो लास्ट में जो डी मेजर पे हम लोग शिफ्ट होते हैं, उसमें जो लास्ट में 1 2 है, 5 4 1 2 3 4 1 2, लास्ट का जो 1 2 है उसको अपने को प्ले नहीं करना है, उस उधर ये प्ले करना है डाउन डाउन, ये प्ले करना है। उसके बाद स्ट्रमिंग पैटर्न स्टार्ट करना है। तो ऐसा होगा, कैसी है आया तेरी जो तू पलकों को झुकाए, रब जो पोशीदा है उसको निहारे तू। सो गाइज ऐसा होगा, तो बीच में मैंने फिलर डाल दिया 1 2 को निकल के डाउन डाउन अप, बस इतना ही है, बाकी कुछ नहीं है। तो आपको आइडिया भी आया होगा कि अभी अपने को स्ट्रमिंग पैटर्न स्टार्ट करना है। सो सेकेंड अपना जो पैटर्न है जी मेजर और डी मेजर, उसमें अपने को शिफ्टिंग करना है। मैंने आपको पैटर्न बताया पहले ही, सेकेंड पैटर्न इज जी मेजर डी मेजर, और उस पर अपने को स्ट्रमिंग पैटर्न स्टार्ट करना है। रब जो पोशीदा है उसको निहारे तू, और जो गर्विदा है उसको टाल तू। जी मेजर और डी मेजर में शिफ्टिंग करना है, और हर एक कॉर्ड पे दो दो बार स्ट्रमिंग पैटर्न प्ले करना है ऐसे। रब जो पोशीदा है, दो बार हुआ स्ट्रमिंग पैटर्न, उसको निहारे तू। उसके बाद फिर से जी मेजर, और जो गर्विदा है, उसके बाद डी मेजर, उसको पाल तू। सो गाइज ऐसा ये पैराग्राफ है। उसके बाद अपना जो मेन पैराग्राफ है उस पर अपने को क्या करना है, जो थर्ड सीक्वेंस मैंने आपको बताया
बी मेजर, सी मेजर और जी मेजर। तो इसमें क्या करना है आपको, स्ट्रमिंग पैटर्न अच्छे से देख लो कैसा मैं प्ले कर रहा हूँ। तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी। तो इसमें क्या करना है, डी मेजर पे 4 बार स्ट्रमिंग पैटर्न, सी मेजर पे 2 बार स्ट्रमिंग पैटर्न और जी मेजर पे 2 बार स्ट्रमिंग पैटर्न। तो एक बार फिर से देखो, जो फर्स्ट लाइन है उस पर पूरा आपको डी मेजर प्ले करना है, जो सेकंड लाइन है उस पर आपको 2 बार सी मेजर और 2 बार जी मेजर। तो ऐसा होगा, तेरी झलक शर्फे श्रीवल्ली नैना मदक बर्फे। सेम नेक्स्ट लाइन के लिए, तेरी झलक शर्फे श्रीवल्ली बातें कर जो हरफे। सो गाइज, आई होप आपको ये क्लियर हो रहेगा। गाइज, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइज ये वीडियो को लाइक करना, इधर तक वीडियो देखा तो प्लीज़ लाइक करके जाना। गाइज, आपका एक एक लाइक बहुत ज़्यादा कीमती है गाइज मेरे लिए, प्लीज़ लाइक करके जाना। एक आर्टिस्ट की मेहनत एक आर्टिस्ट ही जान सकता है, आप भी गाइज एक आर्टिस्ट हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। गाइज, आपका एक एक कमेंट बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है गाइज मुझे, तो प्लीज़ गाइज लाइक कमेंट, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। अपने को 50K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं गाइज, फटाफट सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, मैं इंस्टाग्राम पे गिटार, ड्रम सेट, कीबोर्ड या फिर तबला सब कवर्स डालता हूँ। तो गाइज, आपको अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते गए ऐसी वीडियो में।